आगे बढ़ते हुए आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते से जुड़ी ये बड़ी खबर। खबर यह है कि दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते की तैयारी चल रही है। रूस ने संयुक्त सैन्य तैनाती पर समझौते को मंजूरी दे दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ड्राफ्ट पर भारत के साथ चर्चा भी करेगा। भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते की तैयारी हो रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच पहले भी कई अलग अलग क्षेत्रों में समझौते हैं और अब सैन्य समझौता दोनों देशों के बीच, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रूस ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य तैनाती पर समझौते को मंजूरी दे दी है और इस समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य संरचनाएं, साथ ही साथ युद्धपोत और विमान भेजने के साथ साथ उनके आपसी सैन्य सहयोग को व्यवस्थित कर सकेंगे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के इंडिया चैप्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। स्पुतनिक इंडिया ने ये बताया है कि रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने रूसी रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत करने के लिए कहा है, यानी कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं दोस्ती के, वो और ज्यादा मजबूत इसके बाद होने वाले हैं। ये जो बातचीत का काम है पूरी तरह से सौंप दिया गया है। विशेषज्ञ इसमें मान रहे हैं कि रूस और भारत के बीच में नया रक्षा समझौता यूरोप और एशियाई सुरक्षा को मजबूत और ज्यादा करेगा। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में होने वाले इस समझौते में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि खास रहने वाली हैं। क्या खास रहेगा वो टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आप देखिए। संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण को इससे बढ़ावा मिलेगा। मानवीय सहायता इससे प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिकों को भेजना